गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम एक साइड स्लिट कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है, टोटल 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, ये कॉटन वाला फैब्रिक है। हम क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड मैंने यहाँ पर कर दिया है। हम यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ आ रही है हमारी 36 इंच की, ये कुर्ती बनकर रेडी होने वाली है। ये हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंच, यहाँ से नीचे लेंगे हम आर्म होल का हाफ यानी कि वो भी ले रहे हम 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल हमारा 7-7 इंच हम ले रहे हैं। चेस्ट का 1/4 लेंगे 8.5 इंच एंड लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। चेस्ट हमारी 34 है तो उसका 1/4 8.5 ले लिया। यहां से नीचे आएगी हमारी कमर 14 इंच पे, तो वहां पर हम लेंगे हमारी कमर का राउंड। कमर हमारी 30 है तो उसका 1/4 हमने ले लिया यहाँ पर 8.5 इंच एंड प्लस यहाँ पर ले लिया 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स इस तरह से मिला देंगे। ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है बट हम कटिंग अच्छे से कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ से नीचे आएगा हमारा साइड कट वाला पॉइंट यानी कि वहां पर आएगी हमारी हिप। तो हमने निशान लगाया है 20 इंचेस पर, तो यहाँ पर हम लेंगे हिप का राउंड। हिप हमारी 36 है, उसका 1/4 लिया है 9 इंच एंड प्लस हमने लिया 1.5 इंच का मार्जिन। और इस तरह से हम ये दो पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट कट कुर्ती है एंड बीच में साइड भी है, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट में ही इसको कट करेंगे। ऑलरेडी मार्जिन तो हमने ऐड किया ही है यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड शेप देते हुए, हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पर हम इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच एंड नेक की लेंथ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंचेस। तो मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक सेम रहेगा तो उसी अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर लूंगी। यहाँ से भी मैं जो है वो 2.5 इंच निशान लगाऊंगी एंड इसके अंदर मैं राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। यहाँ पर हम क्रॉस पॉइंट दे देंगे हल्का सा जो हमारे शोल्डर के तिरछेपन के लिए होगा। यहाँ से हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे पूरा नीचे तक। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, फ्रंट बैक दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की रेडी लेंथ है हमारी 17 इंचेस, तो हमने लिया है 17 इंचेस का फैब्रिक। यहाँ पर लेंगे हम आर्म होल का हाफ यानी कि 7 इंचेस, आर्म होल हमारा 14 है एंड लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन। तो इतना लेने के बाद यहाँ से नीचे वाले साइड पर लेंगे हम स्लीव्स का ओपन 5 इंच और स्लीव्स का मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। अब क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स हम इस तरह से क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद इस वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे एंड इस अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है, तो चलिए हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक की फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक के लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है, वो पट्टी हम नेक के ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे नेक के राउंड में सिलाई लगा देंगे यहां पर एंड पट्टी को बाद में पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो दोनों पार्ट्स में आपको इसी तरह से कर लेना है। तो हमने नेक यहाँ पर फिनिशिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये साइड वाला स्लीट बना देना है। दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है बट हमने साइड वाला स्लीट जो है वो ऑलरेडी कट नहीं किया, तो वो हम अब कट करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर से 1 इंच पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और उस निशान को स्ट्रेट में नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसी निशान को आपको स्ट्रेट में नीचे की तरफ लेके जाना है एंड बाद में क्या करेंगे, इस निशान को हम यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रेट जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। आप अगर इस तरह से लेना है देन उसके बाद इस पैड को इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद जितना स्लीट आप नीचे की तरफ रखना चाहते हैं उतना छोड़ के, यानी कि हमने 10 इंचेस छोड़ा है यहाँ पर और यहाँ से ऊपर हम सिलाई लगा देंगे यहाँ तक की। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी, नीचे की तरफ इतना स्लीट हमने छोड़ दिया है। बाद में इसलिए ये सिलाई लगी है, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे एंड में कुर्ती रेडी होने के बाद। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे एंड शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे, देन ये शोल्डर यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं शोल्डर हमने लगा दिया है। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स की एक तरफ हमने क्या किया, यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, दूसरी तरफ स्लीव्स को हम इस तरह से 1/2 राउंड में दोनों साइड में इस तरह से जॉइंट करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। स्लीव्स को लेना है शोल्डर के
सेंटर पे इस तरह से रख देना है स्लीव्स का सेंटर, एंड पूरे राउंड में हाफ इंच की मार्जिन से इधर एंड हाफ इंच की मार्जिन से इधर लगाकर सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई यहाँ पर लगा दी एंड स्लीव्स हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम करेंगे साइड वाला फिटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेकर हमारी जो हिप पॉइंट थी यहाँ तक, वहाँ तक ही आपको सिलाई लगा देनी है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई को बाहर की तरफ नहीं निकालना है, वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हमने सिलाई यहाँ पर लगा दी है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे का फोल्ड करेंगे। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगेगी, देन नीचे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, देन हमारा फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जो स्लीट वाला है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगेगी, देन ये दो पार्ट्स जो कटे हैं यहाँ पर भी इस तरह से डबल फोल्ड करके ऑल ओवर पार्ट आपको रेडी कर लेना है यहाँ पर।